Good morning, everyone. Continuing with our next topic, advantages of packaging. Packaging beneficial है manufacturer के लिए, middleman के लिए और consumers के लिए. इस तरीके से देख लेते हैं हम. सबसे पहले advantages क्या है packaging के manufacturers के लिए. तो manufacturer को वो help करता है ताकि उसका product जो है वो safe रहे. Storage facilitate होती है उसकी वजह से. Goodwill इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है, एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करता है, हेल्पफुल होता है इन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हो सकता है और प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं. एडवांटेजेस क्या है पैकेजिंग के मिडलमैन के लिए, स्टोरेज को फैसिलिटेट करता है, सेल्फ एडवर्टाइजिंग हो जाती है, इजीली डिस्प्ले हो जाता है, ट्रांजिट में हेल्प हो सकती है, फैसिलिटेट होता है रिटेलर के फंक्शंस करने में, हेल्पफुल होता है इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट्स. एडवांटेजेस क्या है पैकेजिंग के कंज्यूमर के लिए, मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है एडल्ट्रेशन की, कन्वीनियंट हैंडलिंग एंड स्टोरेज हो सकती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में आपको मिल जाती है, हेल्पफुल होता है इन रिकॉग्नाइजिंग द प्रोडक्ट, प्रोटेक्ट होता है जो भी कंटेंट है प्रोडक्ट का, पेमेंट कर सकते हैं आप एप्रोप्रिएट प्राइस की. तो इन सब के लिए जो पैकेजिंग है वो हेल्पफुल है. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसेंशियल्स क्या होने चाहिए गुड पैकेजिंग के. एक जो वेल डिजाइन और अट्रैक्टिव पैकेज होता है वो कलरफुल और साइलेंट सेल्समैन की तरीके से एक्ट करता है. तो जो एक पैकेज है वो डिजाइन जब आप करते हो तो वो अपने आप ही एक ब्रांड की तरीके से काम करता है. जो बेसिक फंक्शन है पैकेजिंग का दैट इज की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना गुड्स को और फैसिलिटेट हो सके आपकी इजी हैंडलिंग एंड स्टोरेज. बट आजकल के मॉडर्न एज में जो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग हो रही है, पैकेजिंग को आप एज अ मीडियम यूज कर सकते हो पब्लिसिटी के लिए और शेल्फ सेल्समैन के तरीके से. तो ये हेल्प करती है आपको एडल्ट्रेशन प्रिवेंट करने में और इंश्योर करती है सेफ्टी. तो एक अच्छा जो पैकेज है उसके कुछ फीचर्स हैं जो उसमें होने चाहिए, वो क्या क्या है. सबसे पहला, इट शुड बी प्रोटेक्टिव. जो पैकेज है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो कंटेंट है प्रोडक्ट का जो उसके अंदर रखा जाना है वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए. जो एक अच्छा पैकेज होता है वो एक मींस होता है जिससे जो प्रोडक्ट है आप उसे प्रिजर्व रख सकते हो फ्रॉम पॉसिबल डैमेजेस जैसे डस्ट, डर्ट, वाटरिंग, इवेपोरेशन एसेट्रा. देन नेक्स्ट इज इट शुड बिस्टो कन्वीनियंस. जो पैकेज है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि हाईएस्ट डिग्री की कन्वीनियंस मैन्युफैक्चरर को, मिडलमैन को, कंज्यूमर को मिले जब भी जो प्रोडक्ट है उसे हैंडल किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है. देन नेक्स्ट इज इट शुड बी अट्रैक्टिव. एज फार एज पॉसिबल जो पैकेज है उसमें अट्रैक्शन वैल्यू होनी चाहिए. डिजाइन है, जो लेबल है पैकेज का, जो कलर कॉम्बिनेशन है पैकेज का, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अट्रैक्टिव पैकेज होगा तो रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी, सेल्स भी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे मैन्युफैक्चरर के, क्योंकि वो इजिली जो कंज्यूमर है उसका अटेंशन ग्रैब कर पाएगा. तो जो पैकेज का डिजाइन है, वेट, मटीरियल, कलर कॉम्बिनेशन, ग्राफिक्स, टेक्सचर, इलस्ट्रेशन, ये सब कुछ प्लीजिंग होने चाहिए जो कंज्यूमर को इजीली रिमेम्बर हो सके. तो जो पिक्चर का आप यूज कर सकते हो पैकेज पे कस्टमर क्या अटेंशन ग्रैब करने के लिए. देन नेक्स्ट इज इट शुड बी इंफॉर्मेटिव. जो प्रोविजन है एडिक्वेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का वो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की गुड पैकेजिंग के. जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्बिनेशन हो सकता है इलस्ट्रेशन का, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की और फीचर्स के, यूजेस की, इंस्ट्रक्शंस कैसे हैंडल करना है प्रोडक्ट को और अदर डिटेल्स जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स भी इंक्लूड होती है. तो जो इन्फॉर्मेशन है पैकेज पे आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो एक तरीके से सेल्स मैसेज हो जाता है जो जरूरी होता है ट्रेड रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए. देन इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री. जो पैकेजिंग आप यूज कर रहे हो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए. जैसे पॉलिथीन की पैकेजिंग यूज नहीं करनी चाहिए, आप कार्डबोर्ड का पैकेज यूज कर सकते हैं या आप किसी ऐसे मटेरियल का पैकेज यूज कर सकते हैं जिससे जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट ना हो. आप रिसाइकलिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी. जो ड्यूरेबिलिटी है पैकेज की वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जो पैकेज है अगर ड्यूरेबल होगा तो आप उसे रीयूज कर पाएंगे प्रोडक्ट के कंज्यूम करने के बाद भी किसी और चीज के लिए. तो एक पब्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो पैकेज है वो क्वाइट
यूजफुल होता है. देन नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी. एक जो अच्छा पैकेज है वो सूट करना चाहिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है गुड्स की, जो जिसे आप पैकेज को जिसमें आप गुड्स को पैक कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड के अकॉर्डिंग आपका जो कंटेनर है वो होना चाहिए. अगर वो कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसके अकॉर्डिंग आपका पैकेज होना चाहिए. तो जब आप पैकेज को डिज़ाइन कर रहे हो उसकी क्वालिटी, साइज, क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की है, कंटेनर की है, उसे आपको कंसीडर करना है. देन नेक्स्ट इज कॉस्ट. जो पैकेज की कॉस्ट है उसे भी कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू दी जो भी नेचर है, वैल्यू है आर्टिकल का और जो नेचर है बायर्स का. एज अ जनरल रूल हम लेते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं कॉमन यूज के, जैसे टी लीव्स है, टॉयलेट सोप्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं, उन्हें हम लो कॉस्ट कंटेनर्स में पैक करते हैं. जबकि जो आर्टिकल्स हाई वैल्यू के होते हैं, हाई प्राइस के होते हैं, जैसे ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, इन्हें हम अट्रैक्टिव और ड्यूरेबल पैकेजेस में पैक करते हैं. नेक्स्ट इज मटेरियल. मटेरियल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्फ्लुएंस करता है आपकी पैकेजिंग को. मटेरियल डिसाइड करेगा आपकी कॉस्ट कितनी आएगी पैकेजिंग की, और वैरायटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, क्लोथ, लेदर, टिन, एलुमिनियम, अदर मेटल्स एसेट्रा. देन नेक्स्ट इज इसके अलावा अदर जो पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं आपको इंक्लूड करने चाहिए एक अच्छे पैकेज में, वो ये कि लाइट वेट होना चाहिए, क्लीन लुक होनी चाहिए, एक एसेट के तरीके से जो प्रोडक्ट है उस पैकेज में नज़र आना चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो उसे लेने के लिए. इजी टू डिस्प्ले होना चाहिए, ट्रेड करेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए, सिंपल होना चाहिए डिज़ाइन में, आई कैचिंग लुक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस वो बिल्ड करे, कंज्यूमर को कंपेल करे कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे और लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करे और अच्छा लगे दिखने में इन कंपेयर टू जो कॉम्पिटिशन में आपके दूसरे प्रोडक्ट हैं. इको फ्रेंडली होना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, इनोवेटिव होना चाहिए और लोग उसे लेने के लिए एल्योर होने चाहिए. तो ये सारे फीचर्स भी एक गुड पैकेज में होने चाहिए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग. जो क्लासिफिकेशन है पैकेजिंग की वो डिपेंड करती है ऑन द टाइप और मैथड ऑफ पैकेजिंग, और जो टाइप और मैथड है पैकेजिंग का वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ पैकेज इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू, फिजिकल कॉम्पोजिशन एंड ड्यूरेबिलिटी. तो क्या पैकेजिंग के मेथड्स हैं वो हम देख लेते हैं. सबसे पहला है कंज्यूमर पैकेजिंग. कंज्यूमर पैकेजिंग का मतलब है वो पैकेजिंग जिसके अंदर जहाँ पर जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है प्रोडक्ट का अल्टीमेट कंजप्शन के लिए जो यूज होना है उसे आप पैक करेंगे. वो एक जो बाइंग हाउस होल्ड है, जो कंज्यूमर है, उसके उसकी आप कहिए कि रीच में होना चाहिए. तो ये जो पैकेज है आपका कंज्यूमर एक्चुअली जिसके अंडर कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलेगा वो पैकेज की हम यहाँ बात करें. कंज्यूमर पैकेजिंग का सिंपल टर्म्स में मतलब है कि वो पैकेज जिस पैकेज में जो कंज्यूमर है उससे वो प्रोडक्ट मिलेगा और वो उसे यूज करेगा. तो जो कंज्यूमर पैकेजेस हैं वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. कंज्यूमर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो किस पैक साइज में उसे परचेज करना चाहता है अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली साइज और बजट. जैसे टूथपेस्ट के पैकेजेस आते हैं, आपको 5 रुपीज का पैकेट भी मिलता है अगर आपको ट्रेवल करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, या आपको फैमिली पैक है तो वो भी आप ले सकते हैं. सेम तरीके से जो आपके हेयर ऑयल्स हैं, सॉसेस हैं, शैम्पू हैं, फेस क्रीम्स हैं, ये भी इसी फॉर्म में आते हैं. और ये जो कंज्यूमर पैकेजिंग है वो हैंडी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए. देन नेक्स्ट है ट्रांजिट पैकेजिंग. ट्रांजिट पैकेजिंग का मतलब है वो पैकेजिंग जो हेल्पफुल होगी जब आप प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर रहे हो. तो हर एक प्रोडक्ट को आप ट्रांसफर करोगे उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन से उसकी प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक थ्रू मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जो प्रोडक्ट को आप पैक करोगे वो इस तरीके से होना चाहिए कि जब ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्ट जा रहा है तो वो स्पॉयल ना हो. तो जो ट्रांजिट पैकेज होती है, जो कंज्यूमर पैकेज था, उसके बाहर की जो पैकेजिंग है, आउटसाइड पैकेज जो आप यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसे हम ट्रांजिट पैकेजिंग कहते हैं. वो सैक्स की फॉर्म में हो सकती है, कैसेक्स, बॉक्सेस, टिन्स, ड्रम्स, जूट बैग्स, वुडन केसेस की फॉर्म में हो सकती है. देन नेक्स्ट इज योर फैमिली पैकेजिंग.
जब आपके जो प्रोडक्ट हैं एक मैन्युफैक्चरर के वो पैक्ड हैं सेम टाइप ऑफ रैपर्स में, कंटेनर्स में, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यूज कर रहे हो सभी पैकेजेस में, तो उसे फैमिली पैकेजिंग कहा जाता है। तो जो शेप है, कलर है, मटेरियल है पैकेजिंग का, वो सिमिलर होता है सभी प्रोडक्ट्स के लिए। और जो फैमिली ब्रांड्स हैं वो मीनिंगफुल तभी बनते हैं जब आप उन्हें फैमिली पैकेजिंग में दे रहे हो। इन केसेस में जो पैकिंग मेथड, मटेरियल यूज होता है पैकेजिंग के लिए, उनकी अपीयरेंस एक्सेट्रा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सभी जो प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरर के उनके सब के लिए सेम होती है। देन नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग। जब एक जो इंडस्ट्रियल हाउस है वो डील कर रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में, तो वो यूज करता है प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट लाइन के जो प्रोडक्ट हैं वो सिमिलर मैनर में पैक्ड होते हैं। जो पैकिंग मेथड है, पैकिंग मटेरियल है, अपीयरेंस है, सबकी सेम होती है, इसीलिए इसे हम प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है जो डिफरेंट कलर के बॉक्सेस यूज कर रहा है लेदर शूज के लिए, कैनवास शूज के लिए, स्पोर्ट शूज के लिए, बेबी शूज के लिए, तो ये आपका जो है वो प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग है। इस टाइप की जो पैकेजिंग है वो हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में प्रोडक्ट्स को और स्टोरेज इजी बनाती है। देन नेक्स्ट इज मल्टीपल पैकेजिंग। ये जो प्रैक्टिस है, सेवरल जो यूनिट्स को आप एक ही कंटेनर में अगर डाल रहे हो, उस टाइप के लिए जो है मल्टीपल पैकेजिंग यूज होती है। इसके दो टाइप्स है। पहला है मल्टीपल पैकेजिंग, जहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं स्मॉल साइज के हैं और आप उन्हें इकट्ठे एक ही कन्वीनियंट जो बॉक्स है उसमें डाल देते हो। फॉर एग्जांपल, टेनिस बॉल्स है, हैंकी है, वेस्ट है, पेन है, रिफिल्स हैं, सॉक्स हैं, सेफ्टी पिन्स हैं, इन्हें आप मल्टीपल पैक्स, इनके अलग अलग एक एक कंटेंट को आप नहीं डालते हो, एक बड़े से पैक में आप सभी कंटेंट्स डाल देते हो। इस टाइप की जो पैकेजिंग होती है, यहाँ पर जो हर एक प्रोडक्ट है इंडिविजुअली पैक कंज्यूमर के लिए आप नहीं करते हो, बल्कि 10 कंटेंट्स का आपने एक पैक बना दिया, इस तरीके से आप उसको पैक करते हो। जो रिटेलर है उन्हें बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उन्हें हर एक ईच यूनिट को एवरी टाइम उन्हें पैक करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही जो प्रिंटेड स्लिप हर एक के ऊपर उन्हें बार बार पेस्ट करने की जरूरत होती है। सेकेंड टाइप की जो मल्टीपल पैकेजिंग है, दैट इज एसॉर्टेड पैकेजिंग। जब जो मैन्युफैक्चरर है वो वेरियस क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसे एक पैकेज में डालता है, तो उसे हम मल्टीपल या एसॉर्टेड पैकेजिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेजर ब्लेड, शेविंग क्रीम, शेविंग ब्रश, आफ्टर शेव लोशन, इन सबको आपने एक बड़े बॉक्स में डाल दिया। जैसे अगर आप देखें स्टेशनरी की हम बात करें, तो एक बड़े पैक में ही आपको एक पेंसिल बॉक्स मिलेगा और पेंसिल बॉक्स में ही आपके पेंसिल, पेन, रबर, रूलर, सब कुछ आपको एक ही चीज में मिल रहा है, तो उसे हम एसॉर्टेड पैकेजिंग कहते हैं। ये जो पैकेजिंग है वो कॉमन है बेकरी आइटम्स के लिए, जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट, केक्स, जूसेस, टॉफीज एसेट्रा, जो आपको दिवाली के गिफ्ट पैकेजेस मिलते हैं, या बेबी केयर सेट जो आपको मिलता है, वो इसके एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट इज रीयूज पैकेजिंग। जो पैकेज आप यूज कर सकते हो दूसरे पर्पसेस के लिए भी कंटेंट्स कंज्यूम होने के बाद, उसे हम रीयूज पैकेजिंग कहते हैं। तो इस पैकेज से क्या बेनिफिट होता है कि जो कंज्यूमर है आप उसे एक एडेड बेनिफिट ऑफर कर रहे हो एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। जैसे अगर आप ताजमहल की टी जो आती है उसे आप एक प्लास्टिक जार में डालकर जो कंज्यूमर है उसको ऑफर कर रहे हो, या नेस्कैफे कॉफी जार में आप उसे दे रहे हो, जिसे कॉफी यूज करने के बाद आप उसी जार को एज अ पिकल जार यूज कर सकते हो, तो उसे हम रीयूज पैकेजिंग कहते हैं। फीमेल कंज्यूमर्स इस तरीके की स्ट्रैटेजी से कन्विंस होती है, क्योंकि कंटेनर्स उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं या बहुत ही कम प्राइस पर उन्हें मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारी डिस्पोजेबल पैकेजिंग, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।